तक यहाँ पर नर्सिस की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग होती है कि जब यहाँ पर कोई मरीज़ लाया जाता है तो उसको चेक कैसे करते हैं, उसके वाइटल्स कैसे वो लेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आम इंसानों पर ये ट्रेनिंग नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर ऐसी डमीज मौजूद हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिव, ऐसी मैनिक्विंस हैं जो कि रिस्पॉन्स देती हैं। और ये पाकिस्तान में अपनी तरफ का पहला और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पर मेरे साथ इनके फैकल्टी मेम्बर भी मौजूद हैं, साथ शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैं चाहती हूँ कि साथ साथ यहाँ पर जो लोग हमारी ऑडियंस हमें देख रही हैं उनको ये मैं बता सकूँ कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से अब साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि हमारे पास यहाँ पर डमीज ऐसी मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जब एम्बुलेंस से जो स्ट्रेचर से उतरी थी, जो वो भी डमी पेशेंट था, कैसे उसको लेकर आए, फिर इसको सब चीज़ें उसकी वाइटल्स चेक की, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो डमीज हैं ये इतनी रिस्पॉन्सिव हो कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो इसमें? तो बेसिकली ये मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं जो एक तरह से इंसान की रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं, उनके वाइटल्स रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जो भी आपकी बीमारी वगैरह होती है उसको रेप्लिकेट करके बता रहे होते हैं। अभी करंटली यहाँ एक एक्सरसाइज, बिल्कुल ये बात भी करते हैं। अगर आप इनसे अभी पेशेंट हिस्ट्री वगैरह या उस तरह से बात करना चाहेंगे, आपको रिस्पॉन्स करके दिखाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल जबरदस्त। मैं जरा चाहूंगी कि एक जरा मेरी ऑडियंस के लिए जरा कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है वो भी जरा आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं इनसे पूछ सकती हूँ कुछ भी आगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी, मैं जरा इनसे पूछती हूँ और मैं उनसे मतलब कैसे आप लोग इंटरेक्ट करते हैं ये मुझे बताएं कि। हाँ ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है। और कितने दिन से आपको बुखार है? 3 दिन से। 3 दिन से आपको बुखार है। आपने कोई मेडिसिन ली? अभी तक। और आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ जो डमी मौजूद है वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करी, तो यहाँ पर प्रॉपर जैसे हम एक तरह से MCR बना हुआ है कि जो बड़े डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो जितने भी यहाँ पर वो नर्सेज जो कि ट्रेनिंग का भी हिस्सा हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं कि वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो प्रॉपर जो है उनको देखा जा रहा होता है। अच्छा, मैं ज़रा साथ साथ मुझे बताएं कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे अच्छी बात ही लगी, क्योंकि यूजुअली हम नॉर्मल ह्यूमंस पे ये तमाम तरह एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डमीज मौजूद हैं। कितना इफेक्टिव है इन डमीज का यहाँ पर होना? बेसिकली कुछ सिमुलेशन ऐसी होती हैं जिसमें इंसान नहीं कर सकता, जैसे कोई डेथ का सिनेरियो हो जाए या कोई ऐसी सिनेरियो जो बार बार इंसान के ऊपर नहीं कर सकते। जी जी, बट इन डमीज की खास बात ये है कि आप उस पे वो सिनेरियो, वो एक्शंस आप बार बार रिपीट कर सकते हो, तो आपके अच्छा। पास जो एजुकेशन का क्राइटेरिया, यानी कि जो एरर का जो मार्जिन है वो यहाँ पर आपके पास है। मतलब खुदा ना खास्ता आपके पास जो नॉर्मल अगर कोई ऐसा इंसान हो, आपने उस पे कुछ चीज टेस्ट करनी हो, एक एरर हो गया और एक बड़ा नुकसान हो सकता है, तो यू हैव, तो हमारे पास वो मार्जिन जो है एरर वो कम हो जाता है, और उसके ऊपर आप बार बार जो है रिपीट करके वही सिनेरियो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को एक ही बार में सिखा सकते। मेरे ख्याल से बाकी भी तमाम जगहों पर ऐसा ही होना चाहिए जो स्पेसिफिकली फैसिलिटी आगा खान हॉस्पिटल में मौजूद है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि बाकी फिर कैसी चीजें की जाती हैं, और जो हम स्पेशली पर्ल्स भी चलती हुई देख रही हूँ, तो ये भी बड़े आराम से आ जाती है इससे? बिल्कुल, तो ये हम लोग इस पर एक प्रोग्रामिंग होती है इसकी अपनी जबान के अंदर, तो हम लोग पहले केस पूरा इसका डिफाइन करते हैं कि कौन सी बीमारी है, वो बीमारी हम लोग पहले इसकी ये कंप्यूटर है क्योंकि, तो हम लोग इसकी जबान में इसको समझा देते हैं, तो वो बीमारियाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो यहाँ उसके साथ से दिल की धड़कन, अभी आप देखें चेस्ट राइज, वो सांस भी ले रही है, वो उसकी आंखें भी झपक रही हैं, ये सब कर रही है, और उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके लिहाज से अभी एक पेशेंट की एक सिम्टम्स डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि कार्डिक अरेस्ट में तो खैर आपके पास ना टाइम नहीं होता, लेकिन हार्ट अटैक की सूरत में जब आपके पास एकदम से पेशेंट आता है तो फिर आप उसको कैसे डील करते हैं? तो मैं चाहती हूँ आप मुझे यहाँ पर इसको डेमो देने की कोशिश करें, और कौन कौन सी चीज़ें जो की जाती हैं? तो बेसिकली कोड ब्लू एक ड्रिल होती है जिसमें बेसिकली कार्डियक अरेस्ट वगैरह जितने भी हो जाते हैं उसमें ये रन होता है, तो ये मैनेकन उसके लिहाज से एडवांस फीडबैक इनके अंदर सिस्टम होता है, तो ये उसके लिहाज से लाइव आपके पेशेंट मॉनिटर पर वाइटल्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं कि पहले हार्ट किस तरह से काम करेगा, उसकी EKG जो रिदम आ रही होती है कि कौन सी साइनस रिदम चलेगी, AFib में है तो वो कौन सी रिदम चलेगी, तो वो उसकी डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, वो उसके लिहाज से माइक से करीब करने, हाँ। वो उसके लिहाज से जो है वो उसको बता रहा होता है। अच्छा। और ये दोनों चीजें आपस में, मैं चाहती हूं ताकि मेरे जो है वो मेरी ऑडियंस भी देख सके, तो प्लीज मैं जरा चाहूंगी जरा उसका वो जरूर डेमो दिया जाए। चले जी, हमारे साथ यहां पे नर्सिंग स्टाफ तो मौजूद ही है, तो जो NG की एक्सरसाइज होती है वो देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करते हैं। डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करने के बाद हम पेशेंट के पास जाके पेशेंट के आइडेंटिफायर्स चेक करते हैं, दो
और वो कैसे वो साथ करते हैं? सही, उनके हैंड पे एक वो होता है, इस पे उनसे देखा जाता है और सामने उनका नाम और एमआर नंबर मेंशनड होता है, उससे चेक किया जाता है। उसके बाद जाके आप अपने इक्विपमेंट्स रेडी करते हैं। इक्विपमेंट रेडी करने के बाद आप पेशेंट के पास आते हैं, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, पेशेंट को आके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम अहमद है, मैं BSc फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ आपके मुँह की नलकी, खाने की नलकी लगाने के लिए। इसकी वजूहात बताते हैं कि क्या वजूहात है, डॉक्टर ने आपका खाना वगैरह रोका हुआ है तो फिलहाल आपको जो भी खाना मिलेगा वो इस नलकी के जरिए मिलेगा, तो आप नाली के थ्रू मिलेगा और आपके नाली के थ्रू मिलेगा, और आप मेरे साथ इस प्रोसीजर में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इसमें आपको थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन जो जो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ आपको इसको करना पड़ेगा, इससे आपको जो दर्द होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सही, सारे इक्विपमेंट्स रेडी हो चुके थे, हमने इक्विपमेंट्स चेक कर लिए थे, हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सही, बेसिकली जब लुब्रिकेट करने के बाद हम पेशेंट के पास आते हैं एंड किसी एक नॉस्ट्रल को हम सेलेक्ट करने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये नलकी डालेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, और अच्छे से लुब्रिकेट करने के बाद और हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने पानी पीना है, जैसे हम पानी नहीं पीते, थूक निगलना है बस। हाँ, इन हम इंसर्ट करते वक्त वाइटल भी पेशेंट का हम देखते हैं कि मेनली फोकस हमारी सेचुरेशन पे होता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर सेचुरेशन ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारी आंखें हमेशा सेचुरेशन के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद प्लेसमेंट लाइक चेक करने के लिए इसके प्लेसमेंट चेक करते हैं, तो हम स्टेटोस्कोप से जो है वो प्लेसमेंट चेक करते हैं, जो मैं अभी करके दिखाऊंगी। हम मेक श्योर करते हैं कि इसको किंक रखें ताकि उसमें एयर ना चली जाए, और जब हम एयर प्रेस करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि कितनी एयर डाली है अंदर, 20 mm। पॉप साउंड सूट, एक्चुअली पॉप साउंड ये होती है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं जोर से तो स्टेट के ऊपर आपको एक करके आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि प्लेसमेंट सही हुई हुई है। स्टमक में जो कंटेंट होता है बेसिकली जो खुराक पहले से ली हुई होती है, हम उसको थोड़ा निकाल के देखते हैं कि क्या वहीं तक पहुँचा है, वहीं तक पहुँचा है कि नहीं। ताकि ज़रा से भी पेशेंट की मूवमेंट से ये ना निकले, खराब की नाली की जो इतनी तकलीफ से जिसको इंजेक्ट किया है। हाँ, अब हमारे खुराक नलकी लग चुकी है, अब हम इससे खुराक इंटर करेंगे, वो प्रोसीजर का प्रोसेस करके दिखाएं। फॉर सपोर्ट पेशेंट जो है वो एनपीओ इन अ सेंस के मुंह से उसको खाना देना मना है, मना है। हाँ, तो हम नाक के नलकी के जरिए अब खाना दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जो है वो खाना आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूंगी कि इंश्योर प्लस एक फीड का नाम है जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, और अगर वो ऑर्डर है वो सारे हम डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक चलते हैं। जैसे कोई अगर जख्मी भी हो गई, सूप भी हो गई, क्या उसको भी ऐसे जी? ठीक है, उसको भी हम ऐसे खुराक की नाली के थ्रू दे सकते हैं। और ये चीज़ के हर फीड को देने से पहले, हर खुराक को देने से पहले हम हर बार जो है प्लेसमेंट चेक करते हैं कि सही जगह पे है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट मूव कर रहा होता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो हिल जाता है वो नलकी। यहाँ पे फोर्स सपोज मैं जस्ट इमेजिन करूँगी कि यहाँ पे हम लोगों ने खुराक डाला और इसको थोड़ा एलिवेट करेंगे ताकि ये जो है वो खुराक जो है वो पेशेंट के पेट में चला जाए, एंड देन जाने के बाद हम जो है इसको दोबारा से क्लेम करेंगे और फिर इसको हटाएंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर जो है वो अंदर ना जाए, अंदर ना जाए, क्योंकि वही बात जब आपको ड्रिप भी लगी होती है उसमें देखिए जब एयर बबल्स, हाँ हम बबल्स देखते हैं तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है पेशेंट के लिए, तो वो भी उसको मेक श्योर करते हैं कि कोई एयर बबल ऐसा ना जाए कि जो उसके नुकसानदेह हो। और ये भी करते हैं कि अगर हम खुराक देते हैं फॉर 45 मिनट्स, हम उसको ऐसे ही पोजीशन में रखते हैं ताकि वो जो है खुराक हज़म हो जाए, जैसे बच्चों पे नहीं करते हम उनको बर्फ देते हैं, वैसे ही बड़ों पे भी हम करते हैं कि वो हज़म होने तक हम उनके पोजीशन इस पोजीशन में रखते हैं ताकि वो खुराक जो है वो ईजीली हज़म हो जाए। सही, सही, ठीक है। चले जी, खुराक की नाली कैसे लगानी हमने वो तो देखे, लेकिन मुझे बताएं जो स्पेसिफिकली, और बहुत सारे लोग देखना भी चाह रहे होंगे, हमारे पास कभी कभी ऐसा पेशेंट आता है कि जिसको हमें आई एम श्योर को CVRE कहते हैं, तो वो उसकी बर वक्त देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कैसे जी उसको यहाँ CPR उसको दे सकते हैं वहाँ से, तो हम कैसे उसको दे सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी अगर हम इस पर डेमोस्ट्रेट कर सकें तो इसके ऊपर डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास दूसरे मैनिकन्स होते हैं एक्सरसाइज के लिए, ये एक्सरसाइज स्पेसिफिक के टास्क होते हैं, तो हम लोग आपको भी दिखा। अच्छा, मुझे बताएं आपके पास ऐसी, क्योंकि आपने बोला कि एक्सरसाइज स्पेसिफिक आप लोगों के पास टास्क होते हैं, तो ऐसी कितनी आपके पास मैनिक्विंस होती हैं रिस्पॉन्सिव मैनिक्विंस, क्योंकि जैसे हम देखने के इस पर चले आपने खुराक की नाली लगाई, उसको कैसे लगाना है, उसको ट्रेन करें, साथ में देख रही हूँ कि एक बच्चे का भी मैनिक्विन यहाँ पर है कि उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो उसकी भी मैं देख रही हूँ, तो ऐसी आपके पास कितनी डिफरेंट किस्म की मैनिक्विंस मौजूद होती हैं?
तो हमारे पास इन्वेंट्री तो काफ़ी बड़ी है, बट हम लोगों ने उसको बेसिक तीन लेवल पे सेग्रीगेट किया हुआ, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. तो स्टार्टिंग विद हाई फिडेलिटी, अब आप जिस रूम में, इसको हम लोग हाई फिडेलिटी रूम कहते हैं, मतलब ये क्लोज टू रियलिज्म, कितना ज़्यादा करीब है असली सिचुएशन से. तो हमने उसके लिहाज से इन तीन चीज़ों में इनको ब्रेक डाउन किया हुआ है. फिर आते हैं मिड फिडेलिटी. मिड फिडेलिटी में हम लोग बेसिक रोबोट्स होते हैं, जैसे ये है, ये मिड फिडेलिटी मैनेकिन्स है. अब जो हाई फिडेलिटी है वो हम इसके बाद दिखाएंगे, लेकिन उसके स्पेसिफिक टास्क के लिहाज से वो डिफाइंड होते हैं. फिर जो लो फिडेलिटी आते हैं उसमें हम लोग टास्क ट्रेनिंग होते हैं, जैसे बेसिक इंजेक्शन लगाने की एक टेक्निक होती है, तो उसके लिए हमारे पास हम लोग को ये पूरे रोबोट्स नहीं चाहिए होते. तो बेसिक एक टास्क ट्रेनिंग खास चाहिए होता है जिसमें आप इंजेक्शन लगा के बेसिक्स आप सिखा सकें स्किल. तो वो उस तरह से बहुत जगह पे ऐसा भी होता है ना कि जब आप बहुत ज़रा किसी भी टेस्ट के लिए जो आप ब्लड बहुत ज़रा भी निकालते तो एक टाइम आता है जैसे पेशेंट बीमार जो, तो उसकी वेंस नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती है. तो वो भी बड़ा टास्क होता है नर्सेज के लिए कि आपने फिर ब्लड जो है वो कैसे निकाला. बिल्कुल.